त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कवर्धा जिले में सरगर्मियां जोरों पर हैं। प्रत्याशी लगातार गांव गांव चुनावी प्रचार कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला पंचायत और चार जनपद पंचायतों में जीत का दावा किया है। जिला पंचायत में 14 सदस्यों के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। वहीं जिले के प्रत्येक जनपद में 25-25 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। चुनाव के पहले ही भाजपा ने बढ़त बना ली है। कवर्धा जनपद के 3 सदस्यों ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है और पंडरिया में 1 सदस्य निर्विरोध चुनाव जीतकर भाजपा का खाता खोल चुके हैं। कांग्रेस अब तक एक ही क्षेत्र से निर्विरोध जीत हासिल कर पाई है। जिले में 6,210 पंच, 468 सरपंच और 100 जनपद सदस्य और 14 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। इनमें से 3,252 पंच व 26 सरपंच भी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। हमारी पूरी 14 जिला पंचायत सदस्य सभी का नाम घोषित कर चुके हैं और सभी कैंडिडेट हमारे बहुत मजबूत हैं। 14 सीट में 14 में 14 हम जिला पंचायत निकालेंगे और आज जनपद में भी 4 ब्लॉक में कवर्धा ब्लॉक में 3 निर्विरोध हमारे प्रत्याशी निर्वाचित होकर आ गए हैं। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 में करीब 52 गांव आते हैं। 52 गांव का मैंने एक बार पूरा दौरा कर लिया है और मैंने जाके वहाँ अनेक सभाएं की हैं। चौपाल में मैं बैठी हूँ, सबकी मैंने समस्याएं सुनी हैं और उन्हीं समस्याओं के आधार पर ये संकल्प पत्र आप देखेंगे, उन्हीं समस्याओं से ये निकल के ये संकल्प पत्र आया है। जो मेरी, जैसे मैं शुरू से एक चीज कहते रही हूँ, समाज सेवा मेरी प्राथमिकता है। आज भी मैं वही कहूंगी, जो संकल्प पत्र बना है उसमें सिर्फ समाज सेवा की ही, आपको जितने भी आपको उसमें बिंदु दिखेंगे वो समाज सेवा से ही संबंधित है।